जलियांवाला बाग के विभत्स कांड के अवसर पर 100वां साल आज है। इस अवसर पर ट्रिब्यून ट्रस्ट द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ इस अवसर पर हमारे मध्य में उपस्थित पंजाब के सम्मान्य मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हरियाणा के हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, ट्रिब्यून ट्रस्ट के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के पूर्व में राज्यपाल रहे आदरणीय श्री एनएन बोहरा जी, ट्रिब्यून ट्रस्ट के अन्य सभी सम्मान्य सदस्यगण, ट्रिब्यून के संपादक श्री राजेश रामचंद्रन जी, जनरल मैनेजर श्री विनय जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध देवियों एवं सज्जनों, जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो एक ऐसा विभत्स कांड था जिसकी याद शायद अनेकों वर्षों तक जो है वो जहन में रहेंगी। जिस प्रकार से रावण शायद कभी त्रेता युग में मारा गया, लेकिन आज भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो हैं वो जलाए जाते हैं, उसी प्रकार से स्वतंत्रता का संग्राम भी इस जलियांवाला बाग के कांड की याद से हमेशा जो है याद रहेगा। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के सम्मान्य मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी उपस्थित होने वाले थे। वो एक नौजवान हैं, बहुत परिश्रमी हैं, लेकिन इसी में कई बार जो है वो अधिक परिश्रम के कारण और जवानी में जो है किसी चीज़ की परवाह न करते हुए उनकी टांग में चोट आ गई और चुनावों का मौसम था और हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय क्षेत्र है, टांग और ज़्यादा जो है वो उनका फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण जो है वो उन्हें सारे अपने कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। इसलिए मैं उनके ओर से ट्रिब्यून ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीज से, यहाँ उपस्थित महानुभाव से क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो स्वयं इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि जलियांवाला बाग का कांड हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसी इवेंट थी जिसके कारण हिंदुस्तान से अंग्रेजों का जाना जो है वो तीव्र गति से जो है वो तय हो गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर जिस प्रकार से हिंदुस्तान के उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने युद्ध जो है वो किया था, शायद उस समय उस वक्त के सेनानी मंगल पांडे द्वारा पूरी तैयारी के बिना जो है वो कार्य किया गया था, जिसके कारण वो सफल नहीं हो सके। लेकिन अंग्रेज जो है वो इस प्रकार की कौम है जिसका हिंदुस्तान की जनता ने शायद प्रथम विश्व युद्ध के समय समर्थन किया था और उस समय जो है ये समझा जा रहा था कि उनका समर्थन करने से वो हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रति जो है नरम हो जाएंगे और हिंदुस्तान को आज़ादी प्राप्त होने में सहूलियत प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके विपरीत विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान में जो है वो इस प्रकार का जो है ड्रैकोनियन लॉ, रॉलेट एक्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसे बना करके ना केवल देश के नेताओं को, देश की आम जनता को बिना अपील, बिना दलील, बिना किसी कानून के जेल के सीकचों के भीतर जो है वो रखने का एक प्रावधान कर दिया। उसी के साथ साथ जो प्रेस, जो आज ट्रिब्यून ट्रस्ट द्वारा जो है ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, प्रेस का गला घोंटने वाला भी सबसे पहला कानून
शायद उसके बाद दूसरा कानून जो है वो इमरजेंसी के दौरान में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करके जो है बनाया गया था, वो कानून जो है उस वक्त बनाया गया था, उस वक्त के जो हमारे जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने उसका प्रतिकार किया। लेकिन जलियांवाला कांड में केवल मात्र बुद्धिजीवियों द्वारा नहीं, अमृतसर में मेला लगता था, अनेकों वर्षों से मेला लगता था। वहां पर उस समय के नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो है वो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में आम जनता भी गई, मेले के कारण जो है वो अमृतसर में लोग परिवार सहित पहुंचे हुए थे, लेकिन सभा में उपस्थित होने के लिए अनेकों लोग गए। और जिस प्रकार से निहत्ते लोगों पर गोलियां चला करके ब्रिगेडियर जनरल डायर ने जो है वो ये विभत्स हत्याकांड किया था, उसने सारे दुनिया को हिला करके रख दिया था। और महात्मा गांधी भी उसी समय जो है दक्षिण अफ्रीका से पहुंचे थे, उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी, अन्य नेता भी उस घटना के कारण जो है वो हतप्रभ से रह गए थे, जिसके कारण मैं समझता हूं कि ये ऐसी घटना थी जिसने एक बहुत बड़ा भीषण हत्याकांड तो किया, जहां पर जो है वो सरकारी तौर से तो 450 के करीब लोग जो है मारे गए थे, लेकिन वास्तव में जो है वो जो अनौपचारिक रूप से जो है वो जो जिसका उल्लेख मिलता है वो 1000 के करीब मारे गए और 2000 के करीब उसमें जो है वो घायल हो गए थे। इतने लोगों के ऊपर जो है इस प्रकार का भीषण हत्याकांड, 1650 राउंड गोलियां चलना, ये अपने आप में एक जो है वो उदाहरण था कि जिसमें जो है वो सारे लोग वहां पर निहत्थे लोग थे उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई। और उस घटना ने हिंदुस्तान की आज़ादी को जो है वो तीव्र कर दिया था, आज़ादी की प्रति जो है वो लोगों में जो एक भावना जो है वो बनती जा रही थी। हालांकि उससे पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के 1919 के जलियांवाला बाग कांड तक जो है वो अनेकों जो है वो देश में बहुत सारे जो है वो आंदोलन चले, वो नरम दल के भी चले, गरम दल के भी चले, क्रांतिकारी आंदोलन भी चले, लेकिन असल में जो है वो इस कांड के बाद जो तीव्रता जो है वो आंदोलन में आई और महात्मा गांधी को एक बनी बनाई जो है वो जमीन मिल गई, जिसके कारण जो है वो उन्होंने अपने तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी को आगे जो है वो प्रखर रूप से चलाया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो घटना इतिहास में जो है वो सदैव के लिए दर्ज रहेगी। और मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर हम उस समय के जो हमारे लोग थे जिन्होंने जो है इस हत्याकांड में शहीद हुए थे, उनके डिसेंडेंट्स को, उनके उत्तराधिकारियों को, उनकी जो विरासत वाले लोग हैं उनका सम्मान करके ट्रिब्यून ट्रस्ट द्वारा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा जो है काम किया गया है। क्योंकि अगर हम अपने पूर्वजों को जिन्होंने शहादत दी है, हम अपने देश के शहीदों को जो है वो याद रखेंगे, तभी हम इस देश की सुरक्षा को जो है वो अक्षुण रख सकते हैं, वरना फिर से जो है वो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं कि देश जो है वो खंड खंड हो सकता है। इसलिए इसको अक्षुण रखने के लिए, सुरक्षा को हम जो है वो मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हम जिन लोगों की जो है वो जो इस प्रकार से शहादत दी है उनको सदैव जो है याद रखें। हिमाचल प्रदेश तो वैसे भी देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हिमाचल प्रदेश में हमेशा देश की सुरक्षा के लिए जब भी संकट आया है, जब भी युद्ध की घटना हुई है, तो हिमाचल प्रदेश के नौजवान सदैव जो हैं वो बॉर्डर पर रहे हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंजाब के ही पंजाब हिल स्टेट्स के पार्ट्स जो हैं ये रियासतें थी, और ख़ास करके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का तो हिमाचल प्रदेश से वैसे भी रहने वाले भी हैं। मैं भी आपके जहाँ पर आपका बगीचा है उसके नज़दीक का रहने वाला हूँ, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष संबंध है पंजाब का। और मैं समझता हूँ कि जलियांवाला बाग कांड में मैं पहली बार अमृतसर जो है वो पिछले वर्ष गया था, क्योंकि चुनाव जब होते हैं विधानसभा के तो जल्दी पोलिंग हो जाती है, काउंटिंग में महीना डेढ़ महीना लग जाता है, तो दरबार साहब मत्था टेकने के लिए कभी गए नहीं, इसलिए तब गया था। तो जलियांवाला बाग वहाँ पर जो मेमोरियल है उसे भी देखा, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं जो है वहाँ पर हुई थी उसके अनुरूप शायद आज भी हम उसको जो है वो बनाने में सक्षम नहीं है, या उसको जो है वो हम अपनी उदासीनता के कारण जो है नहीं बना पाए हैं।
मैं राज्यसभा का सदस्य रहा हूं, वहां पर जलियांवाला मेमोरियल है उसका एक कानून भी बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री एग्जीक्यूटिव कमेटी के उसके जो है वो अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बाकी स्थानों पर हम शहीदों के बारे में जो है वो विचार करते हैं, कोई मेमोरियल बनाते हैं, उस प्रकार से जो है वहाँ पर बना नहीं है। उस दृष्टि से मेरा निवेदन कैप्टन साहब से भी रहेगा, आदरणीय मनोहर लाल जी से भी रहेगा, और उसमें मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की तरफ से भी जो है वो चाहे ट्रिब्यून ट्रस्ट करें या माननीय कैप्टन साहब करें, उनको जो है पूर्ण सहयोग हिमाचल प्रदेश का भी रहेगा। वहाँ पर एक भव्य जो है वो स्मारक जो है वो जलियांवाला बाग के कांड में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में बने, ताकि वहाँ पर दरबार साहब के साथ साथ जो है वो उसे देखने के लिए भी जाएं, इस प्रकार का जो है वर्णन करेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः उन शहीदों के प्रति जो है नमन करता हूँ और अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण जनता की ओर से जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।